के पास, लेकिन अभी अभी हम नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हैं अयोध्या के दूसरे कोने पर। नीतीश, आप किस जगह पर हैं और जरा बताइए कि लोग जो विपक्ष जो राजनीति कर रहा है उसको लेकर लोगों के जहन में क्या चल रहा है, देश का मूड है क्या, और अयोध्या में जो लोग हैं जो अयोध्या को साक्षात देख रहा है कि अयोध्या में कितना काम हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ काम चल रहा है, उसको लेकर किस तरह का उत्साह है उन लोगों में? उत्साह तो जबरदस्त है जेपी, और देश राममय है, अयोध्या राममय है, और सभी राम नाम का यहाँ पर जयकारा लगा रहे हैं। आप देखिए जो युवा है वो देखिए, यहाँ पर जैसे ही कैमरा घूमेगा वहाँ पर आपको जय श्री राम का उद्घोष दिखाई देगा, और पूरी अयोध्या सनातनी परंपरा के एक बड़ा केंद्र यहाँ पर देखा जा रहा है। मिनी इंडिया हम इसको कह ले, कोई गुजरात से पहुंचा है, कोई नेपाल से पहुंचा है, आप देखिए गुजरात से भी कुछ लोग आओ यहाँ पर आ गए, तो आप तो यहाँ पर आ गए हैं। जिस तरह की राजनीति हो रही है, लालू यादव कह रहे हैं रामलला हम नहीं आएंगे, कोई कह रहा है कि हम निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे, क्या आम जनता क्या सोच? राम नाम मैं सब जग नाही, सब जग जन यहाँ पे अयोध्या भगवान श्री राम के लिए पहुँच रहे, राजनीति इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। आप भी कुछ लेकर आए हैं? हम सोमनाथ मंदिर से आए हैं, हमारे पंडित जी साथ में हैं, वो उसका विवरण देंगे। जी पंडित जी नमस्कार जी, हम सोमनाथ से पधारे हैं, सोमनाथ से अयोध्या नाथ जी के लिए सोमनाथ जी का उपहार लेके हम यहाँ पधारे हैं। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष एवं और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी, उन्होंने एक संकल्प लिया था 125 करोड़ नाम मंत्र जाप का लेखन, उन्होंने सबसे पहले अपने कर कमलों से उसका प्रारंभ किया, और उसके बाद हमारे सोमनाथ में राम मंदिर में भगवान राम मंत्र का नाम लेखन शुरू हुआ। 80 दिनों में 3.5 करोड़ मंत्र जाप किए गए, 80 दिनों में 3.5 करोड़ मंत्र जाप किए गए, और सब श्रद्धालुओं ने मिलके वो मंत्र जाप किया, उसको हम अर्पित करने के लिए कर दिया आपने। हाँ हमने अब मंत्र भाव क्या कह रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कह रहे हैं आप? जय श्री राम, जय श्री राम कह रहे हैं? जय राम, जय श्री राम, जय सीताराम। नेपाल से आए हैं? हाँ नेपाल से आए हैं, काठमांडू से आए हैं। जी जी पंडित जी, तो ये मंत्र लाभ जो हमने अर्पण किया है उसमें हमने ताम्र पत्र के ऊपर चांदी का परत चढ़ा के उस पर सुवर्ण अक्षरों से ये स्मृति चिन्ह बना के राम तीर्थ क्षेत्र के जो प्रधान अध्यक्ष है उनको हमने अर्पित किया, भगवान सोमनाथ का उपहार भगवान रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित किया। जय में रंग गई है अयोध्या, सरयू मार्ग आप देखिए यहाँ पर पूरी तरह से सजा। जी हम हरियाणा से, संदीप हरियाणा से आए हैं। हाँ जी संदीप गोयल, 20 वर्ष से अयोध्या में आ रहे हैं, नरेंद्र आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास, नीतीश आपके पास लौटेंगे, विवेक के पास भी लौटेंगे, लेकिन आपको बता दे कि विपक्ष सियासत तो कर रहा है, यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, देश की नजरें टिकी हुई है राम मंदिर पर, लेकिन विपक्ष भी उस दिन खास पूजा करने जा रहा है। उस दिन क्या करने जा रहा है विपक्ष, ममता बनर्जी क्या करेंगे, राहुल गांधी क्या करेंगे और बाकी लोग क्या करेंगे, वो अब आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल 22 जनवरी को ममता बनर्जी कोलकाता के काली मंदिर में पूजा करेंगी, आप देखिए वो काली मंदिर में पूजा करने जा रही है, और इसका नाम रखा गया है सर्वधर्म सद्भाव रैली की अगुवाई करेंगी। ये आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे कि ममता बनर्जी क्या करने जा रहे हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की बात करें तो शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष हैं, वो आपको बता दें नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शन करेंगे, गोदावरी नदी के तट पर महाआरती करेंगे, गोदावरी नदी के महातट पर वो आरती करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो चली रही है जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन वो असम में कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो ये जो तीन बड़े लीडर हैं इनकी ये प्रोग्राम रहने वाला है, और इसी पर हम बात कर रहे हैं कि ये विपक्ष सियासत क्यों कर रहा है, कांग्रेस क्यों आने से इनकार करी है, आप आइए मत आइए, न्योता तो कम से कम स्वीकार करिए, और वार पलटवार क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये राम की पैड़ी का भव्य नजारा है, तमाम लोग हैं। अब आप सर क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष जो मसला उठा रहा है, क्या आपको लगता है कि ऐसे शुभ काम में विपक्ष को टांग अड़ानी चाहिए या इस तरह के सवाल करने चाहिए? इस प्रकार की टांग तो किसी को भी अड़ानी नहीं चाहिए। एक छोटा सा प्रोग्राम कार्यक्रम अगर हम अपने घर पर करते हैं तो किसी ना किसी को हम विशेष व्यक्ति को भी इन्वाइट करना भूल जाते हैं, और जिन जिन को सबको हम न्योता देते हैं वो भी सब आ नहीं पाते। तो आपको क्या लग रहा है विपक्ष ये काम क्यों कर रहा है? अरे विपक्ष तो ये काम इसलिए कर रहा है, सिर्फ आप पहले एक मुहावरा चलता था कि मुंह में राम और बगल में छुरी, आजकल दूसरा मुहावरा हो गया, इनका दिल में तो इनके राम है, आना चाहते हैं लेकिन मुंह में इनके छुरी हो गई है। वोट बैंक के लिए हो रहा है, वोट बैंक के लिए। विपक्ष ये चाह रहा है कि हमें याद नहीं किया तो एक बहाने बना रहा है, विपक्ष को कोई बहाने नहीं बनाना चाहिए,
उनसे तो कहना चाहिए सरकार से कि हम भी इसमें हिस्सेदारी करते हैं। अच्छा। ये कहना चाहिए। आप क्या कहेंगे? राम सभी का, सब राम भक्त हैं, सभी को आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग आना नहीं चाहते, वो अपने पुराने झगड़े को उभारना चाहते, तो क्या किया जाए? आपको लग रहा है किसी खास मजहब के वोट बैंक के लिए ऐसा सियासत हो रही है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये या वो मुस्लिम वोट खिसक ना जाए कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से, ऐसा इसलिए ऐसा हो रहा है आपको लगता है? मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम वोट उनसे खिसक ना जाए, इसलिए क्या कांग्रेस वाले आना नहीं चाहते हैं, समाजवादी पार्टी नहीं आना चाहती है? 85% हिंदू रहता है भारत के अंदर, तो क्या उस वोट की चिंता नहीं है उनको? वो नाराज नहीं होगा उनसे? अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो क्या हिंदू समाज उनको अच्छा बोलेगा? यह हिंदुओं का देश है। नहीं, शीर्ष नेतृत्व तो ना, विपक्ष का जो शीर्ष नेतृत्व तो जो भी घोषणा कर रहा है वो उन तक सीमित है। वास्तविकता ये है कि विभिन्न प्रकार के जो विपक्ष में गठबंधन में जो पार्टियां सम्मिलित हैं, उनके जो अनुयायी हैं, कांग्रेस या अन्य जो लोग हैं जो विपक्ष में होने का दावा करते हैं, वो सारे लोग आ जाए। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, जरा पूछिए विपक्ष की मजबूरी क्या है, राम से दूरी क्यों, विपक्ष की मजबूरी लोगों को क्या लगता है?